वेलकम एवरी वन, वेलकम बैक टू अवर चैनल आई डी क्लासेस जयपुर। आज की जो क्लास है दैट इज़ हमारा जो NDA का क्रैश कोर्स चल रहा है मिशन खड़कवासला, क्योंकि 21 अप्रैल को जो NDA का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो करवाए जा रहे हैं। और ये एक 30 डेज़ का क्रैश कोर्स है जो कि बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में आईडी क्लासेस जयपुर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहा है, उसी के साथ ऑफलाइन भी ये चल रहा है। तो आप इस बैच में अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम बायोलॉजी से रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम वो किस तरह से फंक्शन करता है, और जो आज की क्लास है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि गॉल ब्लैडर जो है वो नेक्स्ट हमारा ऑर्गन है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो द टॉपिक इज़ गॉल ब्लैडर, क्या क्या होता है गॉल ब्लैडर के अंदर और किस किस तरह से ये फंक्शन करता है, इसकी शेप और साइज कैसे मेंटेन होती है। तो सबसे पहले देखते हैं, इट्स हैज़ अ पियर लाइक शेप, पियर लाइक शेक। ये गॉल ब्लैडर जो होता है इसकी जो शेप और साइज है वो पियर के जैसी होती है। पियर इट मीन्स नाशपति के जैसी जो है वो इसकी शेप और साइज होती है। अगर हम बात करते हैं कि ये फंक्शन क्या करता है या फिर इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है बाइल जूस कमिंग आउट फ्रॉम द लीवर इज स्टोर्ड इन दिस। जो लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में और उसको एल्कलाइन बनाने में हेल्प करता है, उसकी जो स्टोरेज की प्रोसेस है वो पूरी गॉल ब्लैडर के अंदर होती है। उसी के साथ द बाइल इज़ अ येलोइश ग्रीन कलर्ड एल्कलाइन लिक्विड। जो बाइल होता है, बाइल जूस दैट इज सिक्रेटेड बाई द लीवर, वो एक येलोइश कलर का एल्कलाइन जूस होता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है उसको मेंटेन करने के लिए फंक्शन करता है। क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर जो है वो HCl एसिड पाया जाता है, और वो जो HCl एसिड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एसिडिक नेचर का होता है, तो वो हमारे स्टमक की जो वॉल्स हैं उसको हर्ट कर सकता है। तो हमारे स्टमक को उस एसिड की वजह से कोई हार्म ना हो उसके लिए इस गॉल ब्लैडर का काम होता है एक बेसिक मीडियम जो है वो प्रोड्यूस करना। एक बेसिक मीडियम ये प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से ही जो स्टमक है उसको उस HCl एसिड से कोई भी हार्म नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, व्हाट इज़ द pH, तो जो pH है गॉल ब्लैडर की या फिर बाइल जूस की pH की अगर हम बात करते हैं तो वो 7.7 होती है जो कि एक बेसिक pH है। तो इससे हमें पता चलता है, इसकी pH देख के हमें ये पता चलता है कि ये जो है वो बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक नेचर का होने की वजह से ही ये उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके वजह से कि जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव कि इसके अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वाटर एंड बाइल। जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वाटर एंड बाइल। अब बाइल और वाटर कितने कितने परसेंट प्रेजेंट होता है, तो अराउंड 85% ऑफ द पार्ट इज़ वाटर एंड अराउंड 12% ऑफ द पार्ट इज़ बाइल। लगभग 85% जो है वो पानी प्रेजेंट होता है, 12% जो है वो बाइल प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। तो ये थे कुछ फंक्शंस गॉल ब्लैडर के, जिसके अंदर कि हमने देखा कि ये बेसिक मीडियम का होता है, उसके साथ इसकी जो शेप है वो पियर लाइक शेप होती है, और ये जो है वो फूड के मेथड को या फूड के प्रोसेस को, डाइजेशन के प्रोसेस को एल्कलाइन बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसके मेन फंक्शन क्या क्या हैं, तो इसके मेन फंक्शन कुछ इस तरीके से हैं। मेक द फूड मीडियम बेसिक, मतलब फूड का जो मीडियम है, जो डाइजेशन का मीडियम है उसको ये बेसिक बनाता है ताकि जो एक्सेस ऑफ द एसिड है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, और न्यूट्रलाइज करने के बाद जो डाइजेशन की प्रोसेस है उससे हमारे स्टमक की वॉल्स को किसी भी तरह का कोई भी हार्म ना हो। नेक्स्ट वी हैव इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया कमिंग विद द फूड। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो HCl एसिड है वो स्टमक के अंदर फूड के साथ आने वाले हार्मफुल बैक्टीरियाज को, वायरसेस को मारता है और उसी के साथ डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इन केस, इन एनी हाउ, अगर कोई बैक्टीरिया जो है वो बच जाता है HCl एसिड के अटैक से, तो उसके बाद जो फाइनल जब फूड गॉल ब्लैडर से होकर पास थ्रू करता है तो ये जो है वो फाइनल बैक्टीरियाज को किल कर देता है और जो फूड है उसको बैक्टीरिया फ्री बनाता है। उसी के साथ ये फैट को इमल्जीफाई करता है, मतलब जितना भी फैट है उसकी स्पेलिफिकेशन करने के लिए, और उसी के साथ उसको इमल्जीफाई करने की प्रोसेस जो है वो करता है। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन के। अब हमारी बॉडी के अंदर जब डाइजेशन की प्रोसेस चलती है तो उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और एसिमिलेट करते हैं। वहीं अगर गॉल ब्लैडर की बात करते हैं तो ये स्पेशली विटामिन के का एब्जॉर्प्शन में जो है वो बॉडी की हेल्प करता है। हमारा फूड के अंदर जितना भी विटामिन के होता है उसमें से 80 to 90% ऑफ द विटामिन के जो है वो गॉल ब्लैडर के बाइल जूस के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैनक्रियास। नेक्स्ट हमारा ऑर्गन है
पेनक्रियाज। अब हमने पढ़ा था कि जो लीवर है, लीवर वॉज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लीवर जो था वो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड था, जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। यहीं अगर हम पेनक्रियाज की बात करते हैं, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है पेनक्रियाज। अब इसके बारे में अगर बात करें तो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट्स आउट इन विच 9.8% ऑफ द वाटर एंड द रिमेनिंग पार्ट कंटेन्स सोल्ट एंड एंजाइम्स। हमने देखा था कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड था, जो कि स्टमक के अंदर प्रेजेंट था, उसके थ्रू गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो प्रोड्यूस होते थे, गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो प्रोड्यूस होते थे। वहीं अगर हम पेनक्रियास की बात करते हैं तो इसके अंदर पेनक्रियाटिक जूस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब पेनक्रियाटिक जूस का क्या काम होता है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो अराउंड 9.8% ऑफ द वाटर प्रेजेंट होता है और रिमेनिंग कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फूड को बेटर डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और उसी के साथ कुछ परसेंट जो है वो सॉल्ट भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इट डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड, हैंस नोन एज कम्प्लीट डाइजेस्टिव जूस। अब हम गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो जूसेस थे वो कुछ परसेंट ही चीज़ों को डाइजेस्ट कर रहे थे, वही सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो जूसेस थे वो भी कुछ परसेंट ही जो चीज़ें हैं उनको डाइजेस्ट कर पा रहे थे। बट अगर हम बात करते हैं पेनक्रियाटिक जूस की, तो ये कम्प्लीटली हर एक फूड को डाइजेस्ट करने के एबल होता है, तो इसी वजह से इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है और वो स्पेशल नाम है कम्प्लीट डाइजेस्टिव जूस। इसको जो है वो कम्प्लीट डाइजेस्टिव जूस बोला जाता है, मतलब चाहे किसी भी टाइप का फूड हो, कोई भी प्रोटीन हो, कोई भी विटामिन हो, ये उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट जो है वो कर देता है, तो उसी वजह से इसको कम्प्लीट डाइजेस्टिव जूस बोला जाता है। वहीं अगर इसकी पीएच की बात करते हैं तो वो अराउंड 7.5 से लेके 8.5 तक की जो है वो इसकी पीएच होती है। इट मीन्स ये जो है वो स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है, और यही ऑल्सो ये जो पेनक्रियाटिक जूस है ये हेल्प करता है कि हमारा जो फूड मीडियम है वो और ज़्यादा एल्कलाइन बना रहे, ताकि जो HCl स्ट्रोंग एसिड है उसकी जो इफ़ेक्ट है उसको कम किया जा सके। तो ये कुछ फंक्शंस थे पेनक्रियास के। नेक्स्ट वी हैव टॉपिक इज इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या काम करता है, सबसे पहले तो जो इंसुलिन है उसकी डिस्कवरी बेंटिंग नाम के साइंटिस्ट ने 1921 के अंदर करी थी। इंसुलिन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो इट कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द एनर्जी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ग्लूकोज से ही फाइनल एनर्जी जो है वो ह्यूमन बॉडी को मिलती है। इफ़ इन बायोलॉजी वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर हम बायोलॉजी के अंदर जो है वो ग्लूकोज की बात करते हैं तो अल्टीमेटली हम एनर्जी की ही बात करते हैं, या फिर अगर हम एनर्जी बोल रहे होते हैं तो अल्टीमेटली हम ग्लूकोज की बात कर रहे होते हैं। तो ग्लूकोज से जब भी ग्लाइकोजन बनाया जाता है, ग्लाइकोजन इज़ द स्मॉल प्रोडक्ट, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज से फाइनली जो है वो ग्लाइकोजन बनाया जाता है, तो उसका जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है इंसुलिन। इसके साथ डायबिटीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। अगर किसी भी पर्सन की बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है एनी हाउ, तो उसको जो है वो डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है। अब हम वी ऑल नो कि अगर कोई भी चीज़ अगर एक्सेस अमाउंट में होती है तो वो भी हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होती है, और अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो भी हमारी बॉडी के लिए डेंजरस या हार्मफुल होता है। तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से तो डायबिटीज़ की बीमारी होती है, और अगर एक्सेसिव फ्लो ऑफ इंसुलिन हो जाता है बॉडी के अंदर तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी को कॉन्शियसनेस फील होती है, जो लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस फील होता है, और उसी के साथ कुछ विजुअल डिस्टरबेंस भी होता है। मतलब अगर हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ इंसुलिन है तो हमें विजुअल करने में, देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, और उसी के साथ कॉन्शियसनेस जो हमारी वो भी लॉस हो सकती है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जो डेफिशिएंसी और एक्सेसिव फ्लो ऑफ इंसुलिन की वजह से हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज दैट इंसुलिन इज एसेंशियल फॉर अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब जो इंसुलिन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इंसुलिन की वजह से ही जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो ग्लूकोज को अपटेक कर पाते हैं, इनटेक जो है वो कर पाते हैं। अगर इंसुलिन की एब्सेंस हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगी तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को इनटेक नहीं कर पाएंगे, और अगर ग्लूकोज सेल्स के पास नहीं पहुँचेगा तो सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, और इन दैट कंडीशन सेल्स जो है वो डेड भी हो सकते हैं। तो इंसुलिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी। तो यहाँ तक जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ख़त्म होता है, और उसी के साथ जो नेक्स्ट है दैट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जैसे हमारी बॉडी के लिए डाइजेशन ज़रूरी है, वैसे हमारी बॉडी के लिए उस डाइजेस्टेड फूड का या उस डाइजेस्टेड मटेरियल का सर्कुलेशन होना भी बहुत ज़रूरी है।
जब तक वो मटेरियल जो है वो पूरी तरीके से बॉडी के अंदर सर्कुलेट नहीं होगा, जब तक वो मटेरियल पूरी तरीके से बॉडी के अंदर सर्कुलेट नहीं होगा, जो भी चीज़ें डाइजेस्ट हुई हैं या एब्जॉर्ब हुई हैं उनका एब्जॉर्ब होने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिस्कवरी किसने करी थी सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो डिस्कवर्ड बाई द विल्मन हैरी इन 1628। विल्मन हैरी नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने अराउंड 1628 के अंदर जो है वो डिस्कवरी करी थी सर्कुलेटरी सिस्टम की। उन्होंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन करके बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एग्जैक्टली फोर पार्ट होते हैं और वो फोर पार्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूरे ब्लड का, जितने भी डाइजेस्टेड फूड है, एब्जॉर्ब फूड है, उस सारे फूड का जो है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो कौन कौन से चार पार्ट्स हैं? तो देखिए, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड, ये चार पार्ट हैं जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं। हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड, ये चार पार्ट हैं। तो वन बाय वन इनको करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है हार्ट। अब हार्ट जो है, अगर इसकी पोजीशन की बात करते हैं तो ये प्री कार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर सेफली स्टोर्ड है। हार्ट जो है वो हमारी बॉडी के सिस्टम के अंदर जो प्री कार्डियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर सेफली स्टोर्ड है, ये इसकी पोजीशन है। अगर इसकी वेट की बात करते हैं तो अराउंड एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन हार्ट का जो वेट है वो अराउंड 300 ग्राम्स होता है। उसी के साथ हार्ट ऑफ ह्यूमन इज मेड अप ऑफ फोर चैम्बर्स, टोटल फोर चैम्बर्स हैं हार्ट के अंदर, जिसको कि हमने मेजरली टू पार्ट्स में, राइट एंड लेफ्ट हार्ट में डिवाइड किया गया है। और अगर हम डीपली बात करते हैं तो उसके अंदर राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स करके जो है मेजर फोर पार्ट्स होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हार्ट, कि जो ह्यूमन हार्ट है वो प्री कार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर स्टोर्ड है, तो उसका वेट अराउंड 300 ग्राम्स होता है और उसी के साथ वो टोटल फोर चैम्बर से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट वी हैव इज वेन्स। अब वेन्स क्या होती हैं? वेन्स नॉर्मली ब्लड को ट्रांसफ़र करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। बट किस तरीके के ब्लड को करती हैं? तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्लड कितने टाइप का होता है। ब्लड जनरली दो टाइप का कंसिडर किया जाता है, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बोजनेटेड ब्लड। तो वेन्स का क्या काम होता है? ब्लड वेसल्स कैरिंग द ब्लड फ्रॉम बॉडी टुवर्ड्स द हार्ट। वेन्स क्या काम करती हैं? बॉडी से ब्लड लेती हैं और हार्ट की तरफ उस ब्लड को जो है वो ट्रांसफ़र करती हैं, कैरी करके ले जाती हैं। अब ये जो वेन्स हैं वो इम्प्योर ब्लड, मतलब वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, उस ब्लड को कैरी करती हैं और उस ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड ब्लड को हार्ट तक जो है वो पहुँचाती हैं। इट्स एक्सेप्शन इज पल्मोनरी वेन्स विच ऑलवेज कैरी प्योर ब्लड। अब इसका जो एक्सेप्शन होता है, वेन्स का अंदर भी एक एक्सेप्शन होता है, पल्मोनरी नाम की जो है वो एक वेन होती है जो ऑलवेज प्योर ब्लड कैरी करती है। अदरवाइज जितनी भी वेन्स होती है वो हमेशा इम्प्योर कार्बोजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती हैं और बॉडी की से ब्लड उठाती हैं और हार्ट की तरफ जो है वो ब्लड को लेके जाती हैं। अब हार्ट के अंदर क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड ब्लड होता है उससे कार्बन को जो है वो रिमूव कर दिया जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, पल्मोनरी वेन्स कैरी द ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट आर्टियम। जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो लंग्स से ब्लड लेती हैं और लेफ्ट आर्टियम तक जो है वो ब्लड को पहुँचाती हैं और इट कैरी प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो प्योर ब्लड कैरी करती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो परफेक्टली मिक्स्ड अप होता है। नेक्स्ट वी हैव आर्टरीज। अब आर्टरीज क्या करती हैं? जो वेन्स काम करती हैं उससे जस्ट अपोजिट जो है वो आर्टरीज फंक्शन करती हैं। वेन्स जो हैं वो बॉडी से ब्लड लेके हार्ट तक पहुंचाती हैं और जो आर्टरीज हैं वो हार्ट से ब्लड लेती हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ब्लड को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। अब इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो हमेशा इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड जो है वो कंटेन करती हैं, वहीं अगर हम रेस्ट ऑफ द आर्टरीज की बात करते हैं तो वो प्योर ब्लड जो है वो कैरी करती हैं। ओनली एंड ओनली पल्मोनरी आर्टरीज ऐसी हैं जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। अगर हम बात करते हैं, लार्जेस्ट पल्मोनरी या आर्टरी फाउंड इन ह्यूमन बॉडीज अरोटा। अरोटा इज़ द नेम ऑफ लार्जेस्ट आर्टरी फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टरीज। आर्टरीज और वेन्स जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। जो वेन्स होती हैं वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, जो आर्टरीज होती हैं वो प्योर ब्लड कैरी करती हैं। जो वेन्स होती हैं वो बॉडी से ब्लड लेती हैं और हार्ट तक पहुँचाती हैं, वहीं जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से ब्लड लेती हैं और बॉडी तक पहुँचाती हैं। नेक्स्ट वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ क्विज अबाउट द कंसेप्ट। अब तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड कुछ PYQs हैं जिनको हम जो है वो प्रैक्टिस करेंगे।
सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हाउ डज फूड मूव थ्रू योर डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड जो है वो किस तरीके से मूव करता है. बाय द ग्रेविटी, बाय वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन, बाय सीलिया या फिर बाय केमिकल एब्जॉर्प्शन. तो जो फूड है वो ओसोफेगस के थ्रू यानी फूड फाइव के थ्रू बकल कैविटी से स्टमक तक पहुँचता है, तो वो ग्रेविटी के थ्रू जो है वो कभी भी नहीं पहुँचता है. जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ बी, बाई वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन. जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है ओसोफेगस के अंदर उसी के थ्रू जो फूड है वो बकल कैविटी से ट्रेवल करता है और स्टमक तक जो है वो फाइनल पहुंच जाता है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बाई वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दैट वेयर डज मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक प्लेस. मोस्ट ऑफ मतलब जनरली मैक्सिमम जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो माउथ से बकल कैविटी से स्टार्ट होती है और जो एंड होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है. तो इसके अंदर ऑप्शंस में गिवन है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक या ऑल ऑफ द अबव. आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है मैक्सिमम कहाँ पर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टमक. स्टमक के अंदर जो है वो मैक्सिमम डाइजेशन की प्रोसेस होती है. नेक्स्ट वी हैव वॉट डज द लीवर डू टू हेल्प इन डाइजेशन. जो लीवर है वो डाइजेशन के अंदर कौन सा रोल प्ले करता है या फिर लीवर जो है वो क्या फंक्शन करता है. तो ऑप्शंस में मेक इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, न्यूट्रलाइज द स्टोमक एसिड, प्रोड्यूस द बाइल जूस, रेगुलेट द इंसुलिन. लीवर कौन सा काम करता है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो लीवर है वो बाइल जूस को सिक्रेट करता है, मतलब बाइल जूस सिक्रेट करता है जिससे कि जो फूड है उसका मीडियम बेसिक हो जाता है. तो इसका जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा प्रोड्यूस बाइल जूस. बाइल जूस को जो है वो लीवर प्रोड्यूस करता है और यही एक मेजर रीज़न है जो कि लीवर हेल्प करता है डाइजेशन की प्रोसेस में. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ दीज कैन हार्म द इंटेस्टाइनल लिनिंग. जो इंटेस्टाइनल लिनिंग है या फिर हम बोल सकते हैं जो इंटेस्टाइनल वॉल है, वॉल्स होती हैं, उनको इनमें से कौन सा जो है वो हार्म कर सकता है. एस्पिरिन, एंटीबायोटिक्स, कैफीन या बोथ ए एंड बी. तो आप लोगों को बता दूं कि जो इंटेस्टाइनल लिनिंग है उसको एस्पिरिन और एंटीबायोटिक्स दोनों ही एग्जैक्टली हार्म कर सकती हैं. कैफीन जो है वो इतना हाई अमाउंट में हार्म नहीं करता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए एंड बी, डी इज़ द करेक्ट आंसर. एस्पिरिन एंड एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इंटेस्टाइनल लिनिंग को हार्म कर सकती हैं और उसके वजह से अगर हमारी इंटेस्टाइनल लिनिंग में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो एक तरीके से स्टॉप हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज बेस्ट मेंटेन्स द इंटेस्टाइनल हेल्थ. हमारी जो इंटेस्टाइनल हेल्थ है उसको बेस्ट तरीके से कौन सा जो ऑप्शन है वो मेंटेन कर सकता है. स्टार्च, विटामिन, फाइबर या फिर फैट. इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि स्टार्च, विटामिन, फाइबर और फैट ये चारों ही इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं और ये चारों ही जो हैं वो इनका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है और फाइनल डाइजेशन जो है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है जहाँ से एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टार्ट होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर बेस्ट मेंटेन पूछा है कि बेस्ट जो है वो क्या चीज़ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइबर. फाइबर जो है वो इंटेस्टाइनल हेल्थ को बेस्ट तरीके से मेंटेन करता है. नाउ वी हैव सम क्विक की कंसेप्ट ऑफ द क्लास. आज की क्लास में हमने किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी किया है, तो वी हैव स्टडीड अबाउट द गाल ब्लैडर, पेनक्रियाज, इंसुलिन एंड सम PYQs भी हमने जो है वो सॉल्व किए हैं. तो एक बार एक क्विक रिवीजन अगर करते हैं तो गाल ब्लैडर जो है वो बाइल जूस को पास थ्रू करता है स्टमक तक, उसी के साथ जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है जिसकी वजह से जो फूड मीडियम है वो अल्कलाइन हो जाता है. अगर इंसुलिन की बात करें तो एक्सेस ऑफ इंसुलिन होने की वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है और लैक ऑफ इंसुलिन होने की वजह से डायबिटीज़ की जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है. उसके बाद हमने कुछ PYQs सॉल्व किए हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ क्लास. तो इसी के साथ जो है वो हम अगर आज कोई क्लास जो है वो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नेक्स्ट क्लास में.